hello everyone, i'm Havisha Kala and i'm going to present on a topic which is computer virus. so let's start. content of this presentation. what is virus? what does a computer virus do? how does a computer get a virus? types of computer viruses. prevention from computer virus and antivirus. so the first is what is virus. so virus is a type of malicious code or a type of program or a type of fragmented code which actually designed or which actually made टू अल्टर द कंप्यूटर सिस्टम सो द कंप्यूटर वायरस जो होता है वो स्प्रेड होता है वन कंप्यूटर टू अनादर और वन सिस्टम टू अनादर सिस्टम सो ये एक लेजिटमेट प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर में इंसर्ट होता है एंड देन वहाँ पर ख़ुद को रेप्लीकेट करता है एंड देन वो स्प्रेड होता है और कंप्यूटर को हार्म करता है सो कंप्यूटर वायरस जैसे एक नॉर्मल फ्लू वायरसेस जो होते हैं फ्लू वायरस हो गया तो ये क्या करते हैं जब एक होस्ट से होस्ट में ट्रांसफ़र होता है जैसे एक पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनादर हेल्दी पर्सन में जैसे ट्रांसफ़र होता है वैसे ही एक इन्फेक्टे इन्फेक्टेड सिस्टम से एक हेल्दी सिस्टम में ये वायरसेस ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर वायरसेस ट्रांसफर होते हैं तो दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट दम सर दे कांट रिप्रोड्यूस वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते लेकिन एक बार किसी इन्फेक्टेड सिस्टम से कनेक्शन हो गया किसी हेल्दी सिस्टम का तो वो उसमें जाके उसमें इंसर्ट होके उसमें स्प्रेड होके ख़ुद को अल्टर करेंगे ख़ुद को रेप्लिकेट करेंगे एंड देन उस सिस्टम के फाइल्स को प्रोग्राम्स को उस कंप्यूटर के ऑपरेशंस को अल्टर कर देंगे चेंज कर देंगे हार्म कर देंगे सो व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर वायरस डिस्ट्रॉय द डाटा अपने कंप्यूटर के डाटा का डिस्ट्रॉय कर देता है स्लो डाउन द कंप्यूटर सिस्टम मतलब अपने जो कंप्यूटर के सिस्टम है या फिर रिसोर्सेज है उसको स्लो डाउन कर देता है और हार्मफुल uh, आउटकम मतलब जो अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल आउटकम्स है वो आने लग जाते हैं सो so, ये कंप्यूटर सिस्टम uh, को डिस्ट्रॉय कर देता है कैसे कम उसके डाटा को ही करप्ट कर देता है तो कंप्यूटर वायरस डैमेज द कंप्यूटर बाय डिस्ट्रॉइंग द फाइल फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है एप्लीकेशन को करप्ट कर देता है हार्ड ड्राइव को रिफॉर्मेट कर देता है सो so, इसके कारण जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है तो इवन अ लेस डेंजरस कंप्यूटर जो होते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस कर देते हैं जैसे कि रैम को ईटअप कर देते हैं तो रैम में स्पेस शो नहीं होती है स्टोरेज प्रॉब्लम दिखेगी फ्रिक्वेंटली क्रैशेज आने लगेंगे नेटवर्क की फ्लडिंग होने लगेगी तो नेटवर्क प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते सो कंप्यूटर वायरस आते कैसे हाउ डज़ द कंप्यूटर गेट्स अ वायरस सो कंप्यूटर वायरस बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कंप्यूटर वायरस से आने के जैसे शेयरिंग द डाटा लाइक म्यूज़िक फाइल्स इमेजेस विथ ईच अदर तो इसके कारण जो कंप्यूटर वायरस है वो आ सकते हैं एक म्यूजिक uh, फाइल से एक इमेज से और इवन एक स्पैम uh, ईमेल से स्पैम ई मेल्स को ओपन करने के बाद उसमें अटैच अटैच जो ई मेल होता है या अटैच जो वायरस होता है वो अपने इसमें इनकोड हो सकता है सो so, इसलिए बोलते हैं कि स्पैम ई मेल्स या फिर स्पैम लिंक्स ये सब ओपन नहीं करनी चाहिए अगर किसी अन पर्सन ने भेजी हो उस तो या और और भी बहुत सारी जगह से आ सकता है जैसे फ्री गेम इंस्टॉल जो आजकल बहुत ब्राउजिंग पे जाके या फिर वेब uh, ब्राउजर्स पे जाके आजकल फ्री गेम्स जो आते हैं उसमें भी बहुत बार ये वाले वायरसेस अटैच होके आ जाते हैं टूल बास से आ सकते हैं मीडिया प्लेयर्स से आ सकते हैं मेलिशियस वेबसाइट्स पे विजिट करने से वायरस इंस्टॉल हो सकते हैं और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने से वायरसेस uh, इंस्टॉल हो सकते हैं सो so, ये बहुत सा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक कंप्यूटर वायरस को इंसर्ट कर सो कॉमन साइंस ऑफ कंप्यूटर वायरस कैसे पता लगेगा कि कंप्यूटर uh, uh, में वायरस है जैसे अगर अपने अंदर कोई फ्लू या वायरस आता है तो सिम्टम्स जनरेट होते हैं वैसे अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आता है तो उसमें भी सिम्टम्स जनरेट होते हैं सिम्टम्स uh, कैसे कैसे सिम्टम्स अगर दिखेंगे कंप्यूटर में सबसे पहले पॉपअप विंडोइंग फ्रिक्वेंटली मतलब विंडो को वो फ्रिक्वेंटली पॉपअप करेगा और ऐसी ही मेलिशियस विंडो को पॉपअप uh, करेगा आपको दिखेगा कि वो एंटी विंडो है बट वो एंटी एक्चुअली में होता नहीं है वो एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाता है जिसको क्लिक करने से और दूसरे मैलिशियस वायरसेस और इंस्टॉल हो जाते हैं स्लोइंग डेट द सिस्टम विदाउट एनी रीजन पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है होम पेज अपडेट हो जाता है फाइल्स जो की है वो सब करप्ट हो जाती है हार्ड ड्राइव का नेम चेंज हो जाता है वॉल्यूम चेंजेस आ जाते हैं अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी अवेलेबल चेंज हो जाती है जबकि कंप्यूटर uh, में तो इतना डाटा भी नहीं होता है बट स्टिल मेमोरी uh, फुल कर नोटिफिकेशन uh, आने लग जाते हैं फाइल प्रोग्राम्स uh, मिलती नहीं है या फिर वर्क नहीं करती हैं पासवर्ड्स uh, uh, में अननोन चेंजेस आने लग जाते हैं लॉग इन्स इश्यूज़ आने लग जाते हैं ड्राइव uh, को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है क्रैश आने लग जाते हैं तो ये सब साइंस हैं जो कि कंप्यूटर में दिखते हैं जब कोई वायरस आपके इसमें इंस्टॉल्ड होता है सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस वैसे तो बहुत सारे वायरसेस बहुत सारे वायरसेस होते हैं बट मेनली यहाँ पर जो वायरसेस मैं बता रही हूँ बहुत मेन वायरसेस जो कि आजकल देखे जाते हैं सबसे पहले आता है फाइल वायरस फाइल वायरस एक ऐसा टाइप का वायरस है जो कि अपने आप को फाइल के एंड में अटैच कर देता है एंड ऑफ द फाइल एक बेसिक फाइल ओपनिंग का फॉर्मेट होता है पहले स्टार्टिंग का कंटेंट ओपन होता है देन मेडल देन एंड तो ये वायरस एंड एंड में फाइल को अपने आप को फाइल के एंड में अटैच कर देता है और स्टार्टिंग में अटैच कर देता है तो जब भी अपन कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली स्विच कर लेते हैं एंड ऑफ द फाइल तो Uh, इसके कारण क्या होता है बीच का फाइल का कंटेंट रीड ही नहीं कर पाता तो ये वाला जो वायरस होता है इसका एग्जीक्यूशन नोटिस भी नहीं होता है ये बस स्टार्ट करते स्विच uh, कर देता है एंड फाइल पे ये फाइल के बीच का कंटेंट ही रीड नहीं करने देता इसे पैरस uh, पेरेस्टिक पारेस्टि, uh, वायरस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये uh, ये होस्ट के होस्ट के थ्रू ही होता है ये हो जैसे पैरासिटिक वायरस होता है ना जैसे पैरासाइट्स parasit, होते हैं जो एक होस्ट पे वर्क करते हैं वैसे ही ये होस्ट से ही अटैच हो जाता है और फिर ये वर्क करता है देन होता है बूट सेक्टर वायरस बूट सेक्टर वायरस ऐसा वायरस होता है जो कि बूट सेक्टर सिस्टम को या बूट सिस्टम को इन्फेक्ट करता है सो ऑपरेटिंग सिस्टम जब चालू अपन कोई बूट सिस्टम पे जाते हैं तो ये अपने आप ही बूट बूटेड होने लग जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार जब भी अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो एवरी टाइम जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बूट होने लग जाता है ये आ, बूटेबल मीडिया में होता है जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया इसे मेमोरी वायरस भी बोलते हैं ये फाइल सिस्टम को हार्म नहीं करता ये मेमोरी सिस्टम को हार्म करता है देन मैक्रो वायरस वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिससे बाकी सारे वायरस लो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं लाइक सी हो गया सी लैंग्वेज हो गया या दूसरा पर ये वाला वायरस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है जैसे विजुअल बेसिक्स ठीक है तो दिस वायरस ट्रिगर्ड ये ट्रिगर्ड एक स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है जब कोई एक मैक्रो जब ये कोई एक स्पेसिफिक साइट या फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम रन होता है तभी ये उसके साथ रन होता है तो जैसे स्प्रेडशीट के साथ अगर ये वायरस अटैचड है तो जब स्प्रेडशीट रन करेंगे तभी ये रन होगा ऐसे ये रन नहीं होगा तो इसे मैक्रो वायरस बोलते हैं देन सोर्स कोड वायरस सोर्स कोड वायरस जो होता है ये एक सोर्स कोड के ढूंढता है उस सोर्स कोड को मॉडिफाई करता है और फिर उससे उसके थ्रू स्प्रेड हो जाता है देन पॉलीमॉर्फिक वायरस पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है ये वायरस का एक एक्चुअली में पैटर्न होता है या फिर एक सिग्नेचर होती है वो उस वायरस के सिग्नेचर को ही चेंज कर देता है या अल्टर्ट कर देता है तो जो वायरस की एक जो पहचान सिग्नेचर होती है एंटीवायरस से बचने के लिए ये उसी कोड को चेंज करके ये आ, अपने आप को इंसर्ट कर देता है so, तो इसकी फंक्शनैलिटी तो सेम रहती है लेकिन आ, ये इसके जो सिग्नेचर है वो चेंज हो जाता है देन इनक्रिप्टेड वायरस इनक्रिप्टेड वायरस डिटेक्शन से बचने के लिए एंटीवायरस से डिटेक्शन से बचने के लिए ये क्या करता है कि अपने आप को इंक्रिप्टेड फॉर्म में लाता है और इंक्रिप्टेड फॉर्म में लाने के बाद एक डिक्रिप्शन एल्गोरिदम भी इसके साथ रहती है तो सबसे पहले ये जब अपने सिस्टम में आएगा ख़ुद को डिक्रिप्ट करेगा एल्गोरिदम से एंड देन फिर एग्जीक्यूट होगा देन शेल्थ वायरस ये एक बहुत ट्रिकी वायरस होता है तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आ, ये जो है ये रीड मतलब आ, ये उसी को चेंज कर देता है जो उसको रीड करने का जो सोर्स कोड होता है या जिस कोड के कारण वो डिटेक्ट हो सकता है वो उसी को अल्टर कर देता है तो जब भी आ, कोई पर्सन उसको रीड करना चाहेगा तो वो उसके सामने तो दिखाएगा एक लेजिटिमेट कोड या फिर ओरिजिनल कोड लेकिन एक्चुअली में वो होगा इन्फेक्टेड कोड तो ये उसी रीड वाले सिस्टम को ही अलटर्ट अट करके ये खुद को वर्कआउट करते है। देन टनल वायरस टनल वायरस जो होता है ये खुद को एंटीवायरस में ही इंस्टॉल करता है या तो फिर एंटीवायरस में ही ये इंस्टॉल होता है एंटीवायरस में ही रहता है और ये एक बाईपास बना लेता है डिटेक्शन के तो ये एंटीवायरस के स्कैनर से आ, स्कैन नहीं किया जाता इंस्टॉलिंग के टाइम पे और ये इसमें इंटरसेप्शन नहीं होता इंटरसेप्शन नहीं कर पाएगा बैकग्राउंड मतलब कुछ भी अगर वो चल रहा होगा वो इंटरसेप्शन नहीं हो पाएगा ठीक है फिर आता है मल्टी पैट्री, पै, पैट्री वायरस ये वायरस होता है जो मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम पे अफेक्ट करता है इसलिए इसे मल्टीपल बोला जाता है मल्टीपल मतलब मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर या फिर मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को अफेक्ट करता है जैसे बूट सेक्टर मेमोरी फाइल ये एक साथ अफेक्ट करता है तो इसलिए डिटेक्ट डिटेक्ट करने में बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है और इस पर अफेक्ट ज़्यादा होता है देन आर्मर्ड वायरस आर्मर्ड वायरस एक एक ऐसा एंटी वायरस है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है एंटी uh, वायरस को डिटेक्ट करना एक ऐसा वायरस है क्योंकि ये ऐसी टेक्निक यूज़ करता है कि एंटीवायरस को फूल कर सके ये लाए करता है लाइक कि इसकी जो रियल लोकेशन है वो उसको ही लाए कर देता है जैसे जो वो जहाँ पर अवेलेबल होगा पर वो बताएगा कि मैं कहीं और हूँ तो ये कॉम्प्लिकेट होता है उसके रियल लोकेशन वो पता नहीं लगने पाता है प, पता नहीं लगने देता है इसके कारण एंटीवायरस को डिटेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है देन ब्राउजर हाईजैक एज अ नेम सजेस्ट ब्राउज़र विच मीन्स कि ये टारगेट करता है यूज़र्स के ब्राउजर्स को ये ब्राउजर सेटिंग्स को जाके अल्टर कर देता है डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर हाई मेलिशियस वेबसाइट पे ले जाता है और वहाँ पर जाके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करता है या फिर मेलिशियस साइट्स पे ले के डिफरेंट डिफरेंट दूसरे दूसरे दूसर वायरस को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है सो नाओ देखा अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू फाइव पॉइंट फाइव बिलियन मालवेर अटैक्स डिटेक्टेड इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है इन अटैक्स की lakh are every day. Every day, 2.5 लाख वायरसेस आर रजिस्टर्ड एवरी डे एवरीडे टू पॉइंट टू फाइव केसेस आर रजिस्टर्ड ऑफ वायरसेस ओवर फाइव पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर लॉस एवरी ईयर ड्यू टू द वायरस टू द बिजनेसेस सो इनका स्प्रेड बहुत बढ़ गया है देन इट्स स्प्रेड इतना बढ़ गया है तो इसको रोके कैसे सबसे पहले यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए कोई भी अपना कंप्यूटर सिस्टम होगा उसमें डाउनलोड करना चाहिए और लेजिटिमेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जैसे कि हो गया माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल फॉर विंडोज़ या फिर एविटास सो so ये सब यूज़ करके अपन अपने सिस्टम को वायरसेस से बचा सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसको अप टू डेट भी रखना चाहिए ताकि सिक्योरिटी थ्रेट्स ना आए या फिर जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटीज थ्रेट्स है वो सब अप, अप, अपडेट मिलते रहे क्योंकि वायरसेस भी अपडेट होते जा रहे हैं तो एंटीवायरस को भी अपडेट रखना पड़ता है रन एंटीवायरस स्कैन रेगुलरली एंटीवायरस का स्कैन रेगुलरली रन करना चाहिए ताकि कंप्यूटर सिस्टम में पता लग सके कि कहाँ कहा, एक्चुअली में वायरस है भी या नहीं या फिर वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को uh, को अपडेट रखना चाहिए ताकि जो भी सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड हो रही है अभी वो अपने सिस्टम में आ जाए देन बैकअप योर फाइल्स रेगुलरली। केस अगर कोई वायरस का अटैक हो भी जाता है तो बैक फाइल का रेगुलरली बैकअप करने से जो भी ह्यूमन uh, एरर्स या फिर हार्डवेयर फेलियर्स या फिर जो भी वायरसेस अटैक्स आते हैं तो उसके कारण जो भी लॉसेस हो वो रिकवर हो पाए बैकअप uh, करने से प्रोटेक्ट योर नेटवर्क वायरसेस नेटवर्क के थ्रू भी बहुत बार uh, बहुत बार स्प्रेड अप uh, होते है तो एक सिक्योर नेटवर्क यूज़ करना चाहिए अगर अनसिक्योर uh, नेटवर्क अगर यूज़ करा तो उसके कारण भी बहुत बार वायरसेस जो है वो आ जाते हैं थिंक बिफोर यू क्लिक कोई भी मेलिशियस वेबसाइट या फिर कोई भी लिंक या फिर कोई भी स्पैम uh, ईमेल्स uh, 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 इन सबको क्वेश्चनेबल uh, वेबसाइट्स जो भी हो गई इन सबको कभी क्लिक नहीं करना चाहिए पहले इवेलुएट करना चाहिए कि वो वायरस फ्री है या फिर इवेल्यूएट करना चाहिए वो लेजिटिमेट है भी या नहीं उसके बाद ही डाउनलोड करना चाहिए उससे पहले वो सब सिक्योरिटी मेजर्स रखे नहीं तो वायरसेस एक्चुअली कैन अफेक्ट योर सिस्टम डोंट यूज़ द अनसिक्योर्ड वाईफाई अनसिक्योर्ड वाईफाई के थ्रू भी बहुत बार वायरसेस आ सकते हैं सो यूज द ट्रस्टेबल वाईफाई और अ सिक्योर्ड वाईफाई और अ सिक्योर्ड नेटवर्क ना दे आर सम एंटी वायरस विच इज़ कॉमनली यूज विच आर मैकफ्री सो मैकफ्री जो मैंटी वायरस है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है ये वायरसेस के uh, एक लेयर प्रोटेक्ट uh, एक लेयर प्रोवाइड करता है वायरसेस के लिए ताकि वो वायरसेस मालवेयर फिशिंग अटैक्स या फिर आइडेंट ना हो सके तो फायर वेल प्रोटेक्शन इसमें फीचर्स है सेफ वेब ब्राउजिंग फीचर्स है और वलनरेबिलिटीज जो कि अगर आ गई तो उसकी स्कैनिंग के लिए फीचर्स है देन नॉटन ये जो है ये रोबस्ट मालवेल डिटेक्शन में या फिर कैपेबिली रिमूवल कैपेबिलिटीज लाइक प्रोटेक्शन करता है वायरसेस के अगेंस्ट या फिर स्पाइवेयर के अगेंस्ट या फिर रैंसम के अगेंस्ट तो ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये थ्रेड डिटेक्शन रियल टाइम थ्रेड डिटेक्शन की अगर कोई आपके इसमें वायरस आ गया तो उसके रियल टाइम थ्रेड डिटेक्शन में भी हेल्प करता है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी दैन कैसपस्का कैसपस्का जो होता है वो वो भी एक स्ट्रॉग एंटी वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये भी एक रियल टाइम स्कैनिंग प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी uh, प्रोवाइड करता है और uh, ये एक ऐसा टूल है जो कि सेफ बैंकिंग और प्राइवेसी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है सो so, ये हो गया आज का टॉपिक थैंक यू सो मच